देवास जिले में पिछले एक माह से आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, लेकिन प्रशासन व राज्य सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके पास आज तक नहीं पहुंचा है। आशा कार्यकर्ताओं के इस तरह से हड़ताल पर रहने से शासन की कई योजनाओं के काम रुके हुए हैं या प्रभावित हो रहे हैं। देवास जिले में पिछले एक माह से आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी एक माह से विभिन्न प्रकार से आंदोलन व प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रही हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही। आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात से सयाजी द्वार पर स्वामी विवेकानंद प्रतिमा के समक्ष मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता अनीता ने बताया कि हम मशाल लेकर इसलिए चल रहे कि मामा जी ने जो प्रस्ताव लागू किए थे, ये प्रस्ताव हमारे पास नहीं पहुंचे और ना ही जारी किए। 24 जून 2021 में जो प्रस्ताव मिशन संचालक ने हमारे लिए बनाया था, वो प्रस्ताव लागू करने के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आज मसाल लेके यहाँ पे खड़े हैं, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अवगत करा रहे हैं कि जो उन्होंने 24 जून 2021 में जो प्रस्ताव लागू किए थे, वो प्रस्ताव हम लोगों तक जारी किया जाए। क्या मांगे आपको? मांगे हैं कि आशा का 10,000 और आशा सुपरवाइजर का 15,000 और नियमित किया जाए हम लोगों को। कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा आपका? ये 15 मार्च से प्रदर्शन चल रहा है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल हम लोगों ने दे चुके हैं और करेंगे भी। सही। आपका नाम? अनीता सिंह, आशा।